अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको 20/40 का एक प्लान बताने वाला हूँ जिसमें मैंने 2 BHK सेट किया है एज़ पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्लाइंट की क्लियरली रिक्वायरमेंट थी कि उनको 20/40 में 2 BHK जो रेंट पर्पज़ के लिए देना चाहते या खुद के रहने के लिए, वो क्लियरली 2 BHK ही सजेस्ट कर रहे थे कि उनको उसी हिसाब से प्लान चाहिए। उनकी प्लॉट दो तरफ रोड है इनकी प्लॉट को, तो इस वजह से ज़्यादा एरिया इसमें यूज़ करने के लिए अपने को मिल रहा है। इस वजह से इसमें मैंने 2 BHK सेट किया है जो काफ़ी कंफर्टेबली सेट भी हो गया है, जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये प्लान ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। बस इस वीडियो में आपको शॉर्टली इसमें इस प्लान में कहाँ पर कॉलम आना चाहिए और उसके सेंटर लाइन के डायमेंशन क्या है वो आपको मैं शो करूँगा, जो उम्मीद है आपके ये कुछ काम में ज़रूर आएगा। तो चलिए डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते मैं आपको डायरेक्टली इसके डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको इस वीडियो को शॉर्टली ख़त्म करना चाहूँगा। तो ये देखिए फ्रंट साइड यहाँ पे 30 फीट की रोड है और यहाँ पे राइट साइड भी एक 30 फीट की रोड है। तो चलिए डायरेक्टली प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। प्लान एक्सप्लेन करने से पहले कहना चाहूँगा, आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता देता हूँ आने वाली वीडियोज़ में, इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बना के ज़रूर शो करूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ नॉर्मल से चार्जेस है वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे बेसमेंट के स्टेप्स शो किए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे 2-3 राइजर यहाँ पे मैंने ले लिया है। आप अपने बेसमेंट की हाइट के हिसाब से इसको चाहे तो यहाँ फ्रंट साइड में भी ले सकते हो, गुरु या एक आध स्टेप इनसाइड लेके आप थोड़ा सा इस हाइट को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे इनसाइड आने के बाद को आप एक यहाँ पे आपको इमरजेंसी में आपको एक बाइक पार्क करने की स्पेस आपको क्लियरली मिल जाएगी विदाउट डिस्टर्बेंस। और यहीं पर लेफ्ट साइड स्टेयर्स है जो कंटिन्यूसली फ्लो कंटिन्यू होंगे। तो इस लैंडिंग के नीचे आप चाहे तो एक टॉयलेट वगैरह एक्स्ट्रा में बना सकते हो आउटसाइड ग्राउंड फ्लोर में। तो ये क्लियर टू क्लियर इनर टू इनर 6 फीट आपको क्लियरली ये स्टेयरकेस मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है जो डायरेक्टली आपको हॉल में आने के लिए है। हॉल का डायमेंशन देखिए 12 फीट 2 इंच ऐसे में 11 फीट का ये क्लियर इनर टू इनर इसका डायमेंशन है। और इस हॉल में मैंने 2 विंडो लिया है, एक फ्रंट साइड एक यहाँ पे राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे भी रोड है तो इस तरफ इजीली इसको लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस हॉल में मैंने 2 तरफ आर्च प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक यहाँ इस तरफ किचन में आने के लिए इसका डायमेंशन 6 फीट बाई 11 फीट का आपको किचन मिल रहा है। और इस तरफ किचन का प्लेटफॉर्म मैंने इस तरफ लिया है, सिंक वगैरह इस साइड है। इस तरफ आप चाहे तो कॉर्नर में अपना फ्रिज के लिए इस कॉर्नर को सेलेक्ट कर सकते हो। और यहीं पर मैंने इसका एक विंडो भी लिया है जो स्टेयरकेस के नीचे आएगा। और यहाँ पे इस आर्च से इनसाइड आने के बाद में आपको एक पैसेज मिलेगा जो 3 फीट 3 इंच का आपको क्लियरली पैसेज मिल रहा है। और इसी पैसेज में से आपके काफ़ी सारे डोर्स लगते हैं इस बेडरूम के और इस बेडरूम के, और ये अटैच कॉमन WC बात का लग रहा है। अगर मैं इस अटैच कॉमन WC की बात करें तो 4 फीट बाई 7 फीट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे एक जो बेडरूम है इस तरफ गैस का डोर है 3 फीट का, और यहाँ पे देखिए 9 फीट बाई 10 फीट का आपको ये बेडरूम मिल रहा है। और यहीं पे इसका विंडो भी इस तरफ है जो रोड साइड है। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बच रही थी, यहाँ पर मैंने छोटा सा एक्स्ट्रा में एक वार्डरोब बनाया है जो उम्मीद है आपके कुछ काम में ज़रूर आएगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ चाहे तो आप हैंड वॉश वगैरह बना सकते हो। और बैक साइड मैंने यहाँ पे एक डक लिया है जो 3.5 फीट बाई 4 फीट का ये मैंने डक लिया है। इसी तरफ यहाँ पे इसके बाथरूम के और बैक साइड बाथरूम के वेंटिलेटर वगैरह इसी साइड आ रहे हैं। और यहाँ पे एक डोर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने इसको फ्रंट साइड ओपन किया है, क्योंकि इन साइड ओपन करने से थोड़ा सा ये वार्डरोब को डिस्टर्बेंस कर सकता था ये डोर का पैनल, इस वजह से मैंने फ्रंट साइड ओपन किया है। आप चाहे तो इन साइड भी ले सकते हो। और यहाँ पे इसका डायमेंशन देखिए इस मास्टर बेडरूम का 14 फीट 2 इंच जैसे में 9 फीट 6 इंच आपको इसका डायमेंशन मिल रहा है। और इस मास्टर बेडरूम में इस तरह विंडो है और यहाँ पे एक डोर है जो अटैच WC बात का, जिसका डायमेंशन 4 फीट बाई 9 फीट 6 इंच इसका आपको डायमेंशन मिल रहा है। तो ये मैंने टोटली इसके इनसाइड के रूम के डायमेंशन वगैरह आपको एक्सप्लेन किया है।
अब आपको मैं इसमें कॉलम वगैरह शो करूँगा, जैसे कि इसमें हाईलाइट हो ही रहे हैं कि कॉलम कहाँ पे है। फ्रंट साइड यहाँ पे तीन कॉलम है और इसी के लाइन में यहाँ पे तीन कॉलम, तो ये पूरे लाइन लेवल मेंटेन है ये पूरे कॉलम। मैंने इसके कॉलम एज्यूम किया है एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 9 इंचेस बाय 12 इंचेस की मैंने कॉलम लिया, क्योंकि इसमें कॉलम ज़्यादा है इस वजह से मैंने इसके कॉलम के साइज़ वगैरह ज़्यादा बड़े नहीं रखे हैं। तो ये 15 कॉलम में सेट हुआ है एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर भी अगर ये प्लान को आप फाइनल करते हो इसी कॉलम लोकेशन के साथ ऑन साइड पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो ये प्लान और एक कॉलम लोकेशन एक बार स्ट्रक्चर को शो करके स्टील की डिटेल आप वहाँ से ज़रूर ले लें। अब आपको मैं उसके सेंटर टू सेंटर के डायमेंशन बताऊँगा इस कॉलम के। यहाँ भी देखिए आउटर से आउटर को 20 फीट मिल रहा है और यहाँ से आउटर से आउटर है 40 फीट। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ मैंने इसका 9 इंच का जो प्लेन बीम रूफ बीम होता है ना उसका सेंटर लिया है मैंने, जो 4.5 इंच इसका सेंटर है। और इस कॉलम से इस कॉलम का जो डायमेंशन है वो 9 फीट बाय 11 इंचेस का ही आपको डायमेंशन मिल रहा है। और यहाँ पे इस साइड इस कॉलम से इस कॉलम तक का 9 फीट 4 इंच और रिमेनिंग 4.5 इंच, तो ये आउटर शॉटर आपको 20 फीट मिल रहा है। साइड बैक कहीं पे भी नहीं छोड़ दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे कहीं भी विंडो वगैरह आपको नहीं दिख रहे होंगे। बैक साइड और यहाँ लेफ्ट साइड है टोटली यूज़ है प्लॉट, तो ये पूरा 100% प्लॉट ये यूज़ है। ये एज़ पर क्लाइंट के हिसाब से बना है, फिर भी अगर आपका कोई प्लॉट इसी हिसाब से या थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसके रूम के साइज़ को एडजस्ट कर लें। अब इस साइड की डायमेंशन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 4.5 इंच है इसका सेंटर, और इस कॉलम से इस कॉलम तक का डायमेंशन देखिए सेंटर टू सेंटर 9 फीट बाय 10 इंच का है, और इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर 10 फीट 11 इंच, और यहाँ पे इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर 11 फीट 9 इंच, और जो लास्ट वन बच रहा है इस कॉलम से इस कॉलम 6 फीट 9 इंच, क्योंकि इनर टू इनर 6 फीट क्लियर है, ये 4.5 इंच को 9 इंच को बढ़ रहा है, और रिमेनिंग यहाँ पे 4.5 इंच, तो ये आउटर से आउटर 40 फीट। तो आपको ये क्लियरली मैंने इसमें प्लान शो किया है, साथ ही साथ इसके रूम्स वगैरह के डायमेंशन वगैरह एक्सप्लेन किया है और कॉलम लोकेशन शो किया है इस प्लान में मैंने, और सेंटर लाइन के भी डायमेंशन शो किया है। इस प्लान को अगर फाइनल करते हो इसी हिसाब से आप ऑन साइट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो ये प्लान आपको बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही साथ इसका सेंटर लाइन के डायमेंशन भी शो किया है, इसी हिसाब से आप ऑन साइट पे अगर मेजरमेंट रखोगे तो आपको एज इट इज़ इसी हिसाब से आपको मार्कआउट हो जाएगा। आप चाहे तो जो ये कॉलम है 4.5 फीट बाय 4.5 फीट का लेंथ और विड्थ में आप ले सकते हो। इस साइड जो आउटर के है वो आपको वन साइड फुटिंग आएगा, जैसे कि आपको इस साइड वन साइड फुटिंग आएगा। अगर स्टोरेज की अगर बात की जाए तो स्टोरेज के लिए आप चाहे तो इस एरिया को यूज़ कर सकते हो, बाथरूम को 7 फीट के ऊपर स्लैब डाल के रिमेनिंग का ऊपर का एरिया आप किचन के इनसाइड से यूज़ कर सकते हो, और इसका भी सेम एज इट इज़ 7 फीट के ऊपर आप स्लैब डालकर जो रिमेनिंग ऊपर का एरिया है बेडरूम के इनसाइड से आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया पूरा डिटेल के साथ उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने। और 20 बाय 40 का अगर ये इस प्लान का हिसाब से आप अगर एस्टिमेट अगर रफली अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इसका कॉस्ट आएगा करीब 12 लाख तक इसका कॉस्ट आ सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह यूज़ है 800 स्क्वायर फीट, तो इतना तो कॉस्ट इसका आएगा ही आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो आप इसमें आपके इसके स्क्रीन पर रख दूँगा रोटेट करके, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ कुछ नए डेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।